अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने रेजर टूल्स को डिस्कस किया था, और अब जो नेक्स्ट टूल हमारे पास है वो है ग्रेडियंट टूल। उसके लिए हम पहले वर्कस्पेस बना लेते हैं अपनी। यहाँ पर हमने वर्कस्पेस क्रिएट कर लिया और हमारे पास ये टूल है, ये ग्रेडियंट टूल है। ग्रेडियंट टूल बेसिकली एक से ज़्यादा कलर्स को अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप देखें इसमें तीन तीन कलर्स इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो पहली ऑप्शन है ग्रेडियंट में, ये ऑटोमेटिकली वो वाला दो कलर्स होंगे जो आपने यहाँ पर नीचे सेलेक्ट किए होंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ये यहाँ से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें रेड और पिंक है, इसे आप ग्रीन कर लें। और ये देखें आप ऊपर, आप देख सकते हैं रेड और ग्रीन का उसने कॉम्बिनेशन बना दिया इसकी वजह से। ये देखें इसने यहाँ पर पेस्ट कर दिया रेड और ग्रीन। और अगर आप दो से ज़्यादा कलर्स को यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप आल्ट दबाएंगे, इसे पकड़ के आल्ट दबाएंगे और ऐसे सेंटर में लेकर आगे से छोड़ देंगे। इस पर अब दोबारा से आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप थर्ड कलर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि स्काई ब्लू सा शेड है एक, और यहाँ पर आके ओके करेंगे। और अब आप देखें, ये देखें तीन कलर्स का कॉम्बिनेशन इसने अप्लाई कर दिया। अच्छा, आप ऊपर देख सकते हैं ये कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, इन्हें यूज़ करते हुए आप डिफरेंटली ग्रेडियंट को अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख लीजिएगा, ये डिफरेंट कुछ ऑप्शंस बस दी गई हैं, ये देखें। लेकिन नॉर्मली हम जो है वही यूज़ करते हैं अप्लाई करने के लिए, ये वाला। अच्छा, सिमिलरली जो दूसरे टूल्स में दी गई ऑप्शंस हैं वो वही यहाँ पर हैं। ये ओपेसिटी है, इसी तरह ये मोड्स थे जो ब्लेंडिंग मोड्स वगैरह हैं। अच्छा महाराज, ये जो नीचे नेक्स्ट टूल है इसका क्या काम है, ये समझाने के लिए मैं एक और वर्क स्पेस यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ से आप क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, आपको समझाने के लिए यहाँ से मैं ये सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर क्विकली मैं तीन चार सिलेक्शन अपनी इस वर्क स्पेस पर बना लेता हूँ डिफरेंटली। तो ये हमने वर्क स्पेस बना ली थी डिफरेंट सिलेक्शंस करके। यहाँ से अब हम अपने टूल की तरफ आएंगे, पेंट बकेट टूल है, और इसमें जो भी कलर सिलेक्टेड होगा, ये जैसे यहाँ पर ब्लू हमने सेलेक्ट किया है, तो ये जिस कलर पे हम क्लिक करेंगे उसे उसमें कन्वर्ट कर देगा। ये देखें ब्लू है, इसे हम डिफरेंट कर लेते हैं, ये ज़रा डिफरेंट कलर है, इसे अब हम क्लिक करेंगे, देखिए इसने कन्वर्ट कर दिए। यानी जो भी हमारा फोरग्राउंड कलर होगा ये उसे कन्वर्ट करता जाएगा, हम जिस कलर पर भी सिलेक्ट करेंगे। येलो पे सिलेक्ट किया, देखें उसने पिंक में उसे कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फोरग्राउंड कलर जो है वो पिंक है।